हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें। दोस्तों, आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुका होगा, और यदि आप अपने पैन कार्ड को कहीं भी यूज करना चाहते हैं तो पहले पैन कार्ड को एक्टिव करना होगा, जिसके लिए दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। दोस्तों, नई फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुकी है 1 अप्रैल 2024 से, तो दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते समय कई सावधानियां आपको रखनी होंगी। मैं यहां पर दोस्तों न्यू प्रोसेस के साथ में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद सर्च करेंगे इनकम टैक्स। यहाँ पर इनकम टैक्स सर्च करते ही दोस्तों सबसे ऊपर में लिखा है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्विक लिंक्स वाले में देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक आधार स्टेटस है, लिंक आधार। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको नहीं पता है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, तो सेकेंड नंबर पर क्लिक करेंगे लिंक आधार स्टेटस पर, और दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों पैन नंबर और आधार नंबर आपको फिल करना होगा। नंबर आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे लिखा हुआ है व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस प्रकार से दिखाई देगा पैन नॉट लिंक विद आधार। यदि दोस्तों आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा, और यहीं से दोस्तों आप लिंक आधार पर क्लिक करके लिंक आधार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर दिखाई देगी। उस आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे लिखा हुआ है वैलिडेट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पेन, इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको दिखाई देगी कि आपको पेमेंट के रूप में 1000 रुपये पे करना है। मेजर हेड में दोस्तों आपको 0021 रखना है, और अदर रिसिप्ट में 500 आपको रखना है। नीचे दोस्तों कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पे टैक्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस प्रकार से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पैन नंबर फिल करना है, उसके बाद दोस्तों कन्फर्म में पैन करना है, और नीचे दोस्तों मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, केवल ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको आगे फिल करना होगा। यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। जो मोबाइल नंबर दोस्तों आपने दिया था उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों लिखा हुआ है नीचे कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस प्रकार से दिखाई देगा पेन नंबर दिखाई देगा, कुछ नाम के कुछ अक्षर आपको दिखाई देंगे, और कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ई पे टैक्स, और यहाँ पर पेन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है इनकम टैक्स है, और नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। आपको दोस्तों यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, असेसमेंट ईयर चुनने में आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों असेसमेंट ईयर आपको 2025-26 से सेलेक्ट करेंगे, और नीचे दोस्तों ऑटोमेटिक आपको 2024-25 से फाइनेंशियल ईयर दिखाई देगा, और असेसमेंट ईयर दोस्तों 2025-26 दिखाई देगा। यहाँ आपको दोस्तों गलती नहीं करना है, करंट ईयर आपको दोस्तों चुनना होगा। उसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ पेमेंट जो माइनर हेड है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों अदर रिसिप्ट लिखा हुआ है 500, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते दोस्तों थोड़ा सा ओपन होगा। यहाँ पर देखिए सब टाइप ऑफ पेमेंट है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पेन आधार, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 1000 अदर रिसिप्ट में 1000 दिखाई देगा, और यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा कि आप किस प्रकार से यहाँ पर पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या दोस्तों पे एट बैंक काउंटर, या दोस्तों नेफ्ट के थ्रू। यहाँ पर दोस्तों सबसे आसान तरीका होता है पेमेंट करने का, पेमेंट गेटवे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ बैंकों के नाम दिखाई देंगे, आप यहाँ पर दोस्तों कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट डिटेल दिखाई देगी, असेसमेंट ईयर देख सकते हैं आपको दोस्तों 25-26, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 दिखाई देना चाहिए। स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 1000 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अदर में 1000 टोटल अमाउंट दिखा रहे दिखाई देगा।
उसके बाद दोस्तों पे नाउ इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते दोस्तों आपको इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ है और चेक बॉक्स पर दोस्तों एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप पेमेंट नेट बैंकिंग या अदर पेमेंट मोड इस पर क्लिक करेंगे, जो भी जिससे भी आप दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों यूपीआई सेलेक्ट कर रहा हूँ। यूपीआई सेलेक्ट करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर पेमेंट डिटेल आपको दिखाई देगी, पेन नंबर, असेसमेंट ईयर। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट का तरीका पूछ रहा है कि आप किस प्रकार से यहाँ पर पेमेंट करेंगे, तो वीपीए या क्यूआर कोड। तो दोस्तों सबको पता है कि आसान तरीका होता है क्यूआर कोड से। यहाँ पर क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही दोस्तों यहाँ पर कंफर्म लिखा हुआ है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। आपको इस प्रकार से नेक्स्ट पेज दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों क्यूआर कोड आ चुका है। आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, जैसे फोन पे, गूगल पे या भीम, जिस भी से भी करना चाहें यहाँ पर आप दोस्तों स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है और यूअर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पेमेंट हो चुका है और पेमेंट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको चालान दिखाई देगा कि यहाँ पर लिखा है दी चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली। इस चालान को दोस्तों आप यहाँ पर डाउनलोड करने में दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको चालान की कॉपी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों चालान की कॉपी आप इस प्रकार से चालान की कॉपी आपको दिखाई देगी। इसको दोस्तों डाउनलोड करके सेव कर लें। दोस्तों आपको चालान पे करने के बाद 24 से 48 घंटे वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आप दोबारा से गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद सर्च करेंगे इनकम टैक्स। दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स जैसे ही सर्च करेंगे नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्विक लिंक्स में दोबारा आपको लिंक आधार वाले जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इन्फॉर्मेशन के बाद दोस्तों यहाँ पर पेन नंबर लिखा हुआ है, पेन नंबर आपको फिल करना है और आधार नंबर आपको फिल कर देना है। मैं यहाँ पर दोस्तों दोनों फिल कर देता हूँ। पेन नंबर और आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे वैलिडेट, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जो आपने चालान फिल किया था, चालान का जो पेमेंट किया था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि चालान का सीरियल नंबर है, VSR कोड और अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। डेट ऑफ पेमेंट भी आपको दिखाई देगा कि आपने कब चालान पेमेंट किया था। यदि दोस्तों आपको इस प्रकार से दिखाई नहीं देता है तो आप कुछ समय और वेट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पेन नंबर दिखाई देगा, आधार नंबर दिखाई देगा और आपको नेम एज पर आधार, आधार में जिस प्रकार से नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिल करेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ है। यदि दोस्तों ईयर ऑफ बर्थ आपकी आधार कार्ड में दिखाई देगी तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ लिंक आधार है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था उस पर एक ओटीपी आएगा। तो दोस्तों ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। दोस्तों ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वैलिडेट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ यूअर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंट टू वैलिडेशन, वैलिडेशन के लिए दोस्तों भेज दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ आगे कि 48 घंटे तक आपको दोस्तों वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आप होम पेज पर जाके स्टेटस में चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। सभी के लिए धन्यवाद।